Namaste. Namaskar. Hello everyone. Namaskar. Greeting. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मनीष है और कविता बोल पर आप लोगों का स्वागत है। आज का ये एपिसोड बहुत 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 ही खास है। इसका कारण ये कि हम पिछले एक हफ्ते से लगातार आपको बच्चों की लिखी हुई कविताएं या बच्चों के द्वारा पढ़ी हुई कविताएं दिखा रहे हैं। चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीडियो सीरीज चल रहा है और कविता बोल ने इस बार ये ठाना है कि हम बच्चों को कविताएं लिखने पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। इसी सिलसिले में आज का ये खास एपिसोड हमें मिले हुए सारी एंट्रीज में से उन 5 सिलेक्टेड एंट्रीज का एक कलेक्शन है जो हमारी ज्यूरी ने बताया कि ये सबसे अच्छे वीडियोस रहे, सबसे अच्छी कविताएं रहीं। ये वीडियोस भी अलग अलग भाषाओं में हैं। कविता बोल के शुरू से ही एक बहुत बड़ी कोशिश रही है कि हम अलग अलग भाषाओं में लिखने वाले और पढ़ने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें, ताकि सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी नहीं, इसके अलावा और भी भाषाएं साथ में फल फूल सकें। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुभकामनाएं। किस बात की? इस बात की कि ये वीडियो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो देश और दुनिया में सभी भारतवासियों के लिए दिवाली आने वाली है। दिवाली की आप सबको शुभकामनाएं, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना प्यार और मिठाइयां दोनों ही हमें भेजेंगे। इसके अलावा हम उन सभी छात्रों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया, और उनमें से उनको भी शुभकामनाएं जिनकी कविताएं टॉप 50 में सिलेक्ट हुई। हम उन सभी शिक्षकों का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने अपने बच्चों को तैयार कराया, अपनी रचनाएं हम तक भेजने में मदद की। हम ऐसे कुछ टीचरों के आपको नाम भी बताएंगे। ऐसे टीचर्स इस देश में और दुनिया में टीचिंग के प्रोफेशन के लिए आदर्श के तौर पर जरूर देखे जा सकते हैं। उन सबको शुभकामनाएं। आखिर में हम उन सभी पेरेंट्स का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिस तत्परता से उन्होंने अपने बच्चों की तैयारी करवाई, जिस तत्परता से उन्होंने वीडियोस भेजे। इन सब के लिए आप सबका शुक्रिया। इसी के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हम बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें करेंगे, लेकिन क्योंकि स्पेशल एपिसोड है और बच्चों की कविताओं का है, तो हम सबसे पहली कविता सुन लेते हैं। सबसे पहली कविता जो हम लेके आ रहे हैं आपके लिए, वो है सेगु भवेसाई संजना की कविता, जो कि 8वीं कक्षा में पढ़ती हैं ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया से। तेलुगु में है कविता। कविता का टाइटल है ना मातृभाषा, यानी कि मेरी मातृभाषा। आइए सुनते हैं। नमस्ते, ना पेरु संजना। నేను గ్లోబల్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ GIIS మలేషియాలో 8వ తరగతి ఏ సెక్షన్ లో చదువుతున్నాను. నేను ఒక కవిత చెప్తాను, అదే నా మాతృభాష. తను నాకు మాట నేర్పింది, మమత నేర్పింది, మనసు చూపింది, మధురమయ్యింది, అంతులేని భావాల్ని బందీ చేసింది. అవును, తను నాకు భవిష్యత్తునిచ్చింది, బంగారమైపోయింది. ఎంకి పాటలు, పాలబువ్వలు, గోసినప్పులు, చిరుజల్లుల వానలు, తనెవరో మరెవరో కాదు, నా భాష, నా మాతృభాష, నేడు ఖండితమైపోతున్న తెలుగు భాష. अच्छा, शुभकामनाओं में एक बात तो रह ही गई। हम चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं, चाचा नेहरू को भी तो याद करना चाहिए। बाल दिवस की भी आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जिस एंथुजियाज्म के साथ, जिस तत्परता के साथ कविताएं पढ़ी हैं और पढ़ने लिखने में अपनी रुचि दिखाई है, ये बनाए रखें, ये वाकई काबिले तारीफ है।
हम बढ़ रहे हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पहली कविता पसंद आई होगी। आप में से कुछ को हो सकता है समझ ना आई हो, तो हमने सबटाइटल्स लिखे हुए हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में इस कविता का अंग्रेजी तर्जुमा या इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हमें दिया गया था वो डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस इवेंट की सबसे खास बात ये रही कि हमें लगभग 300 से ज्यादा एंट्रीज में से कविताएं चुननी पड़ी जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। कविता बोल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो शायद भारत में पहली बार ऐसा कुछ कर रहा है। बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं जो ऐसा बहुत करते रहते हैं, अमूमन वीडियोस पर नहीं आते या यूट्यूब चैनल पर नहीं आते। कोशिशें, कॉम्पिटिशन्स और ऐसे आयोजन बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन शायद कविता बोल देश में अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने बच्चों तक पहुंचने की कोशिश की। और हमें पता है, हमें संदेश मिलते रहे हैं बहुत सारे टीचरों से और बहुत सारे पेरेंट्स से, हमें काफ़ी सराहा भी गया है और इसके लिए भी हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारी ये उम्मीद है या ये उम्मीद रहेगी कि अगले बरस जब हम ये इवेंट करें तो हमें और भी ज़्यादा तादाद में एंट्रीज मिले। बहरहाल इस बार जिन स्कूलों ने पार्टिसिपेट किया और कविता बोल को अपने पहले ही इवेंट में इंटरनेशनल बना दिया, मैं बोलूँगा वो इसलिए कि पहली ही बार किए गए इवेंट में हमें इंडिया के अलावा थाईलैंड, यूएई, मलेशिया, कुवैत, बहरेन और सऊदी अरेबिया से एंट्रीज मिली। इस इवेंट में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करने वाले और सबसे ज्यादा तादाद में एंट्रीज भेजने वाले स्कूलों के नाम हैं। तीसरे नंबर पर है डीएवी पब्लिक स्कूल रंगामाटी झारखंड इंडिया से। दूसरे नंबर पर है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल कुआलालंपुर मलेशिया से। और पहले नंबर पर है जेम्स मिलेनियम स्कूल शारजा यूएई से। ये तो रही स्कूल की बात, अब हम करते हैं अगली कविता की बात। दोस्तों, अगली कविता डीएवी पब्लिक स्कूल रंगामाटी जो कि झारखंड में है हिंदुस्तान में, वहां से श्रेया भंडारी जो कि क्लास 9th में पढ़ती हैं, उनकी कविता है, बांग्ला भाषा में है और कविता का टाइटल है मां। आइए सुनते हैं। मां, শিউলির ভেজা গন্ধ নিয়ে মনের আকাশ মেঘলা করে, কাশধনুচি সঙ্গে নিয়ে আসছেন মা বছর ফিরে, কিন্তু মোরা বাঁধিয়ে ফেলেছি যে শাখের করাত, করতে গিয়ে আবিষ্কার পুরো বিশ্ব জুড়ে চলেছে এখন মৃত্যুর হাহাকার। শক্তি তুমি দাও হে মহামায়া, যেন পারি করতে পরাজয় এই অশুভ কালো ছায়া। আজ এই মহামারীতে হরণ করেছে তোমার লক্ষ লক্ষ সন্তানের প্রাণ, একে একে তোমার সন্তানেরা ক্রমশয় হয়ে চলেছে নিষ্প্রাণ। জগৎ জননী মা যে মোদের, তুই যে দশভুজা, কর্মা এবার ক্ষমা মোদের আর দিস না সাজা। মানছি মোরা করেছি অনেক অত্যাচার, কিন্তু করসীমা প্রতিজ্ঞা এবার নেব তাদের সমস্ত ভার, করব তাদের প্রাণের রক্ষা নিজের প্রাণের বিনিময়ে, করব না আর করতে দেব না প্রয়োজন বিনা হস্তক্ষেপ বাস্তবের স্বকীয়তার সাথে। শারদীয়ার আগাম শুভেচ্ছা, ধন্যবাদ। দূসরি কবিতা শুনে আর শুনে কে বাদ ওয়াপিস আনে কে লিয়ে শুকরিয়া। মুঝে উম্মীদ হে আপকো হামারা ইয়ে শো পছন্দ আ রাহা হে আর আপ ইসে আগে ভি দেখেঙ্গে ইয়া দেখ রহে হে। দোস্তো, হাম জানতে হে কি হামে দেখনে ওয়ালে জ্যাদাতর লোক हिंदी भाषी हैं या अंग्रेजी दा लोग हैं जो इंग्लिश जानते समझते हैं, लेकिन साथ ही जैसा कि मैंने पहले कहा कि हो सकता है कि आपको ये भाषाएं या रचनाएं न समझ में आ रही हों या कम समझ में आ रही हैं, साथ ही ट्रांसलेशंस भी हैं मदद करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हम एक नज़र इस बात पर भी डालें किन किन भाषाओं में हमें रचनाएँ मिली। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो हिंदी और इंग्लिश के अलावा हमें गुजराती, हरियाणवी, मलयालम, मराठी, पंजाबी, संस्कृत और तमिल और तेलुगु में रचनाएं मिली।
हम ये भी चाहते हैं कि जब हम अगली बार ये इवेंट करें तो और भी ज्यादा भाषाओं में हमें रचनाएं भेजी जाएं और हमें उन्हें शामिल करने में बहुत खुशी हो। आइए अब हम चलते हैं अपनी तीसरी रचना की तरफ। हमारी तीसरी रचना या आज की तीसरी कविता पंजाब से है। पंजाब में एक स्कूल है, विद्या इंटरनेशनल स्कूल। वहाँ की छात्रा हैं अमनप्रीत कौर, जो कि 10वीं में पढ़ती हैं। उनकी कविता पंजाबी में है और कविता का नाम भी पंजाबी है। आइए सुनते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अज मैं तुहाडे सामने एक कविता पेश करन जा रही हां, जिस दे विच मेरे रंगले पंजाब नू खत्म करन दीआं साजिशां चल रहीआं हन। मैं हां ओ धरती जिथे बादशाहां कीता राज, अज मेरी धरत नू कीता अपणिआं ही बर्बाद। पाणी सरकारां मेरा वेच दित्ता लई करन मेरे ते राज, पंज अब्बां दा मैं देश हां मैनू कहिंदे ने पंजाब, मैनू कहिंदे ने पंजाब। भगतां गुरुआं पीरां दी मैं शोभ प्राप्त धरती, पा पा के तुसी जहरां अपवित्र करती, पा पा के तुसी जहरां अपवित्र करती। हिंदुस्तान दी हिफाजत कीती मैं हर पैड़ ते खड़ के, हिंदुस्तान दी हिफाजत कीती मैं हर पैड़ ते खड़ के। येरे देख मेरे योधियां दे दुश्मन भजदे ने डर डर के, दुश्मन भजदे ने डर डर के। काबल दियां कंधां तो लैसी तिब्बत तक मेरी शान, काबल दियां कंधां तो लैसी तिब्बत तक मेरी शान। टोटे टोटे करके इन्हां कीता मेरी शक्ति दा कान, टोटे टोटे करके इन्हां कीता मेरी शक्ति दा कान। वाह कर दित्ता सरकारां मित्तों मेरा पाक रफीक, हिंदू मुस्लिम आख के मार दित्ती धरती उत्ते लीक, हिंदू मुस्लिम आख के मार दित्ती धरती उत्ते लीक। भगत सिंह करतार सराबे, भगत सिंह करतार सराबे, शहीद मेरे लई होए ता अज इतिहास दे विच ओ क्यों अतवादी होए, ता अज इतिहास दे विच ओ क्यों अतवादी होए। सीने मेरे दे विच इक डूंगी पई उदासी, सीने मेरे दे विच इक डूंगी पई उदासी, कीता जो कतलेआम सरकारां उत्ते विच मेरे चुरासी। बोली मेरी दा कहंदे रहन नहीं ओ देना वयूद, जे बोले कोई पंजाबी ता आंख देने डोंट यूज। गबरू मेरे बहादुर उच्चे लम्मे शैल छबीले, खत्म करन लई उन्हां नू भी नशे चले बड़े नशीले, खत्म करन लई उन्हां नू भी नशे चले बड़े नशीले। सच धर्म ते अणख दी खातर, सच धर्म ते अणख दी खातर गुरुआं लड़ना मैनू सिखाया, झंडे मेरे हर थां झूलन जिथे रहंदा मेरा जाया, झंडे मेरे हर थां झूलन जिथे रहंदा मेरा जाया। याद रखी तू सरकारे, याद रखी तू सरकारे, जद खालसा राज आया राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोए, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया, गुरु गोबिंद सिंह जी ने फरमाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, कविताएं हम पढ़ भी रहे हैं और आप बैठे बैठे देख भी रहे हैं। लगे हाथ एक और काम कर दीजिए। इन सभी रचनाओं में से आपको जो रचना सबसे अच्छी लगे उसके बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप भी लिखते हैं और आप इस इवेंट का हिस्सा हो सकते थे लेकिन किसी कारण नहीं हो पाए, तो kavitabol.com पर जाइए और वहां पर उपलब्ध फॉर्म भरकर हमें भेजिए। हम ये तय करेंगे कि हम अगली बार जब ये इवेंट करवाएं तो आपका स्कूल इसमें शामिल हो। अगली कविता शुरू करने से पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि अभी तक अपलोड किए गए 45 वीडियोस में से कौन से 5 वीडियोस सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। 5वें नंबर पर हैं जैनब मुदस्सर सायदा, जिनकी कविता हम बच्चे को 168 यानी कि 168 व्यूज मिले हैं अब तक। 4थे नंबर पर है बड़ी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसका नाम है मान्यता मंजुनाथ, इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाली सबसे छोटी बच्ची किंडरगार्टन में, और उनकी कविता है डॉक्टर सेलेस्टीन राज द्वारा लिखी हुई स्वच्छ भारत। 3रे नंबर पर है समृद्धि श्री, जिनकी कविता धन्य कोरोना को
239 यानी कि 239 बार देखा जा चुका है। दूसरे नंबर पर है अभिष्टा ज्ञानदा की कविता गणित। बड़ी ही प्यारी सी कविता है, छोटी सी कविता है, आप जाएं और देखें। इनकी कविता को अब तक 292 यानी कि 292 व्यूज मिल चुके। और इसी के साथ सबसे पहले नंबर पर कौन सी कविता है? सबसे पहले नंबर पर बहुत ही मीनिंगफुल कविता है जिसको पढ़ा है रुद्रांश यादव ने। ये कविता उन्होंने खुद नहीं लिखी है, कविता लिखी है श्री विकास बंसल ने, और कविता का शीर्षक है तुम मुझे कब तक रोकोगे। इस कविता को अब तक, जब तक हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 420 यानी कि 420 व्यूज मिल चुके हैं। साथियों, ये व्यूज जो आप देख रहे हैं 150, 200 और 400 हो सकता है बहुत ज्यादा ना हो, लेकिन हम एक नए चैनल हैं और आप नए लिखने वाले हैं, 400 व्यूज कम नहीं है। आइए आज की चौथी कविता सुनते हैं। आज की चौथी कविता कौन सी है? चौथी कविता है सलवान पब्लिक स्कूल हरियाणा से 8वीं की लगन मांगलिक ने लिखी है ये कविता। कविता हिंदी भाषा में है और ये कविता है तुम होते कौन हो। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं लगन मांगलिक सलवान पब्लिक स्कूल गुरुग्राम से आप सभी के समक्ष अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। मेरी कविता का शीर्षक है तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। मैं मंदिर में कुरान पढ़ूंगी दरगाह में राम को याद करूंगी। तुम होते ही कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। तिलक टोपी पगड़ी माला का अंतर समझ आता नहीं मुझे इस भेदभाव को तो समझाओ। कुरान गीता बाइबल आदि ग्रंथों का जरा सार तो बताओ। अगर दिवाली पर दिए जलाऊंगी तो रमजान पर अपना घर भी सजाऊंगी। और आई अगर जन्माष्टमी दही हांडे भी लगाऊंगी। क्रिसमस पर चर्च के दरवाजे भी खटखटाऊंगी। गुरुपूरब पर कड़ा प्रसादा भी खाऊंगी और गुरुद्वारे माथा भी टेकाऊंगी। गुरुपूरब पर कड़ा प्रसादा भी खाऊंगी गुरुद्वारे माथा भी टेकाऊंगी। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं गुरु नानक की माथा टेक कर आऊं या ईसा मसीह के पास दो पल चैन से बैठ कर आऊं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं गुरु नानक की माथा टेक कर आऊं या ईसा मसीह के पास दो पल चैन से बैठ कर आऊं। तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। तुम होते ही कौन हो मुझे बताने वाले कि मैं पूजूंगी राम को या दुआ मांगूंगी अल्लाह के सामने। धन्यवाद। आइए आज की पांचवी और आखिरी कविता की ओर बढ़ते हैं। हमने पहले भी आपको बताया था कि ये एक इवेंट है, कॉम्पिटिशन नहीं है, लेकिन जिस तरह से जूरी मेंबर्स और हम लोगों को ये परफॉर्मेंस अच्छी लगी, मैं बिला शक कह सकता हूं कि अगर ये कंपटीशन होता तो शायद फर्स्ट प्राइज इस कविता को मिलता। छोटी सी बच्ची है। दरअसल आज के स्पेशल एपिसोड में जिन पांच कविताओं को चुना गया उसमें सबसे छोटी बच्ची है क्लास फोर्थ में पढ़ने वाली मरियम रिजवान शेख, जो कि आती हैं गल्फ एशियन इंग्लिश स्कूल शारजा UAE से। इनकी कविता का शीर्षक है अ पर्सन शुड बी गुड। आप खुद सुनिए और ये तय कीजिए हाउ गुड अ पर्सन शुड बी। लेट्स वॉच। ग्रीटिंग्स टू द मेंबर्स ऑफ द जूरी। आई एम मरियम रिजवान शेख स्टडिंग इन ग्रेड 4 गल्फ एशियन इंग्लिश स्कूल शारजा UAE. I will recite a
poem written by me. A person should be good. A person should be good. Always in the best mood. Eat all sorts of healthy food. A person should be good. Control his anger and refrain from being rude. Continually strong and never hide under the hood. A person should be good. Adopt honest ways to earn his livelihood. Strive to be the finest of the brood. I shall imbibe these principles because as a person everyone should. Thank you. आप आखिरी कविता सुन चुके हैं, लेकिन रुकिए, बात अभी बाकी है। हम अगले बरस फिर आएंगे। कविता बोल स्पेशल के एपिसोड्स का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन चिल्ड्रंस डे स्पेशल वीडियो सीरीज हम साल में एक बार लेकर आया करेंगे। ये पहला वर्जन था। अगले वर्जन को हम इससे भी बड़ा, इससे भी वृहद और ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारा साथ देंगे। जाते जाते सभी लोगों को शुक्रिया, सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कविता बोल को अपना प्यार भेजते रहें, और याद है ना शुरू में क्या कहा था, मिठाइयां भी भेजिएगा। थैंक यू।